Hello, hi, and welcome to one more episode of the show Youth Corner. We the Yuva, और We the Yuva क्या मस्ती करते हैं आज और देखते हैं और एक एपिसोड में जो हम शूट करने अभी यहाँ पर आए हैं औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में. तो आइए देखते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, किस तरह से मस्ती करते हैं और कौन सा अंदाज है इनका मस्ती का. आइए. कॉलेज में एंट्री की नहीं कि सबसे पहले कट्टा यहीं पर मिल गया. आइए इनसे कट्टे पे जानते हैं कि कट्टे पे अभी लेटेस्ट टॉपिक क्या चल रहा है. हाय, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम भारत खांदड़े. आप कट्टे पे क्या कर रहे हैं अभी? अभी यहाँ पे ओवर टाइम कर रहे हैं. ओवर टाइम? लोग तो टाइम पास करते हैं, आप ओवर टाइम करते हैं? नहीं, हमारे अलग से टाइम है जहाँ पे कट्टे बताए वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं. कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन सोचते हैं. कौन सी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं आप कट्टे पे? प्रॉब्लम पे तो मनी प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, ये तो कॉलेज की प्रॉब्लम, स्टूडेंट की प्रॉब्लम, इस बारे में हम डिबेट करते हैं यहाँ पे बैठ के. रवि, आपने रांझना मूवी देखी है? यस. आपने धनुष को देखा ही होगा, किसी ने आपको कहा नहीं आप धनुष की तरह लगते? बोलते हैं, बहुत बोलते हैं. फिर आप डांस नहीं करते कभी? रांझना हुआ मैं ते, डांस नहीं करते हो? इनका कहना कि यहाँ पे कोई सोनम कपूर नहीं है तो धनुष बन के और डांस करके कोई मतलब नहीं है, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम. कैसा लगता है कॉलेज में आने के बाद? कॉलेज में अच्छा लगता है, पढ़ाई करने के लिए. पढ़ाई करना अच्छा लगता है सच में आपको भी? Yes. इनको भी पढ़ाई करना अच्छा लगता है? आइए इनसे भी जानते हैं. आपको भी पढ़ाई करना अच्छा लगता है? हाँ. अच्छा, मैं जब यहाँ एंटर की थी, शो हमारा शुरू होने का था, तब टीचर ने इनकी अच्छी खासी गेम ले ली. इनको पूछा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इनको पता नहीं था. सब्जेक्ट्स पता नहीं आपको? है ना, लेकिन वो... अच्छा मुझे बताइए आपको कौन से सब्जेक्ट्स है आपको पढ़ाई में अभी सिलेबस? मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब चार सब्जेक्ट तो वही होगा. अब नाम नहीं आता, वो होता है ना कि हम कॉपी कर लेते हैं कभी कभी. इसका आंसर नहीं आता तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में भी वही छाप दो, ये बिल्कुल उसी तरह से है. हाय, आपका नाम? अमोल. अमोल, सबसे पहले बताइए आपकी हाइट का राज क्या? कॉम्प्लेन. कॉम्प्लेन, ही इज अ कॉम्प्लेन बॉय. आपके फ्रेंड कौन कौन है? प्रशांत, स्नेहा. हाय प्रशांत. हाय. मुझे बताइए कॉलेज में ग्रुप बनाते हो, ग्रुप के साथ क्या क्या मस्ती करते हो? काफी कुछ करते हैं. जैसे कि? जैसे कि लड़कियों को छेड़ना. ओह, खुद ही अपनी पोल खोल दी है. मैं मम्मी को नाम बताऊंगी, आपकी फ्रेंड को नाम बताऊंगी सबसे पहले. हाय. आप भी लड़कों के छेड़ती हैं? लड़कियां छेड़ते हैं ये लोग तो, आप कभी कंपटीशन नहीं देते? लड़कों को छेड़ती हूं मैं ना, जब मेरे क्लास की. ओके, तो सीटी वीटी बजानी आती है? सीटी तो नहीं आती बजाना. ट्राई तो कीजिए. नहीं आती है. थोड़ा सा? नहीं आती. तो सीटी बजानी नहीं आती, हमारी सीटी बज गई यहाँ पर. कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? फेवरेट? वैसे तो कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है मेरा. ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली, कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है. बोर होता है, नींद आती है, समझ में नहीं आता, आलस आता है ना, ऐसा ही कुछ है. सही बोला आपने. देविया बैठी है, उनसे बातचीत करते हैं. हाय, नाम क्या आपका? अश्विनी. ये ना कोई गाना नहीं गाता आपके? गाता है ना. कितने लोग गाते हैं बताइए? बहुत सारे. ओह, फिर शर्मा दिया आप? नहीं. अरे, काफी अच्छा हंसते हैं आप. हंसने के अलावा और क्या क्या पसंद करते हैं? हंसना, रोना, याद करना. किसको याद करते हो, पढ़ाई को, रट्टा मारते हो? दोनों भी. अच्छा, आप रट्टा मारते हो? नहीं. आपका नाम बताइए. प्राजक्ता. प्राजक्ता, प्राजक्ता जी फुले. सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है कॉलेज में? ग्रुप के साथ बाहर घूमना. कहाँ कहाँ पे घूमते हो? औरंगाबाद में बहुत कुछ है घूमने जैसा. आपने अब तक क्या क्या देखा है? मकबरा, गार्डन, दौलताबाद, बेरूर, आउट ऑफ सिटी मोस्ट ऑफ. बहुत सारा है, मुझे भी जरूर घूमना चाहिए, अब तक घूमी नहीं हूँ. कंपनीज ढूंढ रही हूँ. आप लोग सब घूमेंगे मेरे साथ? बिल्कुल, क्यों नहीं. कहाँ कहाँ घुमाओगे मुझे? पूरे औरंगाबाद में. क्या क्या स्पेशल है औरंगाबाद में? आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी? अजंता केव्स. पहले जो हमारे थे पूर्वज, उन्होंने क्या क्या बनवा के रखा है, हमें उनसे बहुत सारा सीखने को मिलता है. मतलब तब, अब भी तो हम पढ़ाई करने के लिए हमारे पास बुक्स वगैरह है, लेकिन तब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके हिसाब से पूरे केव्स में जो बना के रखा हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन के जरिए हम यहाँ भी पढ़ाई कर पा रहे हैं. हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है आप? नहीं.
इन्होंने जो हिस्ट्री का इतना अच्छा इम्पोर्टेंस बताया, अभी हिस्ट्री पसंद नहीं आपको? बिल्कुल नहीं, वो उसमें जो होते हैं ना, ये अभी गुजरे, ये अभी मरे, ये अभी जिंदा हुए, वो याद ही नहीं हो पाते। इस विषय बिल्कुल नहीं याद कर सकती मैं, इसका इस विषय उसको चला जाता है। शिवाजी महाराज की कोई डेट पूछी हो, हम वहाँ पे बाबा साहब का कोई डेट लिख देते हैं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा ही कुछ, हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है, हर बार यही प्रॉब्लम आता है। अजीब और गरीब हिस्ट्री का आंसर कभी आपने लिखा होगा? हाँ, और उसके वजह से मार खाई थी, याद मत दिलाओ प्लीज। टीचर ने मारा था जोर के? हाँ, लेकिन वो टीचर बहुत फेवरेट था ना, इसलिए मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया था। इसको कहते हैं डिसेंसी, गांधीगिरी करती है आप। जो व्यक्ति हमें पसंद होता है ना, तो उसके लिए दो क्या और दो चाटे भी खाने के लिए तैयार हूँ मैं। बात तो बड़ी गजब की है इन्होंने। फॉर्मूले लर्न नहीं होते तो कौन सा तरीका यूज करते? बस पढ़ाई करके उसको, ये मतलब बता नहीं पा रहा पर मैं समझ गई, ये रट्टा मारते हैं। आप करते हो रट्टा मारते हो? हाँ मारते हैं। अच्छा, अगर आंसर्स लर्न नहीं हुए तो गानों की तरह नहीं कोई बोलता है आप? नहीं, कोई भी नहीं। कोई गाना गा सकते हो? डेडिकेट कर दीजिए, काफी सारी लड़कियाँ बैठी हैं यहाँ पर। मैं कुछ रिफानी सिंह के गाने पसंद है। चलिए चलेगा रात। आज मैंने ब्रेकअप की पारी रख ली है, सुबह से एक बोतल दारू भी पी ली है, स्टीम लगा के मम्मी डैडी को सुला के आ, मेरे पास यारो गान सूरे सा लगा के आ, ऊपर 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 आंधी है। ये बहुत ही मजेदार है, सब लोग गाते हैं, पर एक बात पूछना चाहूंगी मैं, आपने हनी सिंह का गाना सुना? यस। अच्छा लगता है? थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बाकी गाने इससे भी ज़्यादा अच्छे जो जूने पुराने हैं, अभी मीका सिंह के गाने हैं, सिकंदर सिंह, सोनू निगम। अजय, हनी सिंह के सॉन्ग आपको पसंद है पर उसके लिरिक्स अच्छे लगते हैं क्या? सच में अच्छे हैं क्या? सबके लिए दारू पी ली है ऐसा वैसा सब? मैडम मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँ, मैं वही करता हूँ। माय लाइफ माय रूल्स, क्या पता कितना सही है। सब लोग अभी अपने हिसाब से रूल्स तो बना लेते हैं। माय लाइफ माय रूल्स, माय एटीट्यूड, डू हेल विद एनीबॉडी एल्स। रूल्स भी सही होने बहुत जरूरी है। नहीं, ब्रेक के बाद यूथ कॉर्नर विद युवा में और भी बहुत कुछ है, ऑफ पीरियड में गेम्स खेलना भी बाकी है, सो स्टे ट्यून्ड। डांस करने वाली है अमृता, और अमृता बिल्कुल चप्पल वप्पल निकाल के रेडी है। अमृता के हिसाब से जगह खाली करो। वेलकम बैक टू द शो यूथ कॉर्नर, यूथ कॉर्नर विद युवा, और विद युवा में अब बारी है ऑफ पीरियड की। ऑफ पीरियड में हम क्या करते हैं, बहुत सारी ढेर सारी मस्ती मजा और धमाल, फुल टू धतिंग। यहाँ पे अभी आज का जो गेम है कुछ इस तरह से है, आपको थ्रेड्स जो दिए जाएंगे वो बांधनी है अपने ही हाथों से, अपने ही उंगलियों में, विदाउट यूजिंग योर माउथ। आपको सिर्फ दोनों हाथों की जितनी भी उंगलियाँ हैं आपके पास, 10 या 11 वाले कोई नहीं है अगर, तो आपको बांधनी है, ठीक है? और विद इन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यू आर हैविंग 30 seconds, और हमारे पास सबसे पहले दो योद्धा भी तैयार हैं अपने अपने धागे लेकर, जिनका नाम है अमृता और जयपॉन। एंड योर 30 seconds का टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। अमृता इज हैविंग सिर्फ एक ही उंगली पे उन्होंने बांधा है, ओनली वन फिंगर टाइड, और जयसिंह के है 1 2 3 4। जयसिंह जीत के कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हार के कैसा मजा आ रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो तो पनिशमेंट में पता चलेगा कितना मजा आ रहा है। हमारे नेक्स्ट टू कंटेस्टेंट भी रेडी है, जिनका नाम है निलेश वाघमारे और फरहीन शेख। ठीक है, निलेश और फरहीन आप लोग रेडी है? फुल टू जोश में, जोश इतना ठंडा जोश, जोश आप? मैं भी रेडी हूँ। 30 seconds का टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। ओह
पड़ गया है। पांच उंगलियां यहाँ की बंधी हुई है, यहाँ का भी एक है। टाई नहीं किया, नॉट नहीं बांधा, लपेटो लपेटो और तोड़ो, बिल्कुल सही सही स्ट्रेटजी थी। और इनका है एक भी नहीं। पनिशमेंट के लिए रेडी हो? यस रेडी। गुड गुड। दो और योद्धा है जिनको झोंक दिया है इस कंपटीशन में, जिनका नाम है तृप्ति गढ़वे और प्रशांत। ठीक है, तो तृप्ति और प्रशांत, क्या लगता है कौन जीतेगा? देखेंगे। ऐसा मुझे तो पता है कि मैं ही जीतूंगी। इनको पता है यही जीतेंगे, आपको क्या लगता है? इनका कहना है छोटे भाई को भी चांस देगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। All fingers tied, एक छूटा है सिर्फ, नहीं 1 2 6 7 8। और प्रशांत ने और गिरा दिए हैं, बचे हैं सिर्फ 4। हार के क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पनिशमेंट के लिए रेडी है? पनिशमेंट देने वाले रेडी है? तो नाउ गेट रेडी फॉर द पनिशमेंट। सो पनिशमेंट के लिए सभी लोग तैयार है, तीनों भी कंटेस्टेंट जो हारे हुए हैं बिल्कुल मुंह छुपाए हुए है यहाँ पर है, और उनको पनिशमेंट देने वाले भी तैयार है। क्या पनिशमेंट करवानी है? डांस करो। मेरे पार्टनर जो सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, हमने सुना है हमारे छोटे भाई जो है वो बहुत अच्छी शेरो शायरी करते हैं, तो मैं उनसे शेरो शायरी करवाना चाहूँगा। ओ इरशाद 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 आर्दे उनकी आंखों की नमी में हम कुछ इस तरह से कोई उनकी आंखों की नमी में हम कुछ इस तरह से कोई बस कोई ही रहे और वापस ही ना आ पाए। निकले थे हम प्यार करने, निकले थे हम प्यार करने पर प्यार ना कर पाए, पता नहीं वो बेवफा हमारे प्यार को क्यों ना समझ पाए। बेवफा। इनके लिए फरमाइश है गाने की, कौन सा गाना गाएंगे आप? आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, मैं तड़पने लगा। अब बारी है रियल मजा की, कि डांस करने वाली है अमृता, और अमृता बिल्कुल चप्पल वप्पल निकाल के रेडी है डांस करने के लिए। अमृता के हिसाब से जगह खाली करो। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और तुम भी सानी 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 सानी, आ जाओ स्टडी करना है। तो सो मानो आप लाइब्रेरी से बुक निकाल के तो नहीं लेके जाती ना, तो नोट्स निकालने के बाद में जो है ना, यदि आप वेलकम बैक टू द शो यूथ कॉर्नर वी द युवा। अब बारी है आमना सामना करने की, यानी कि आमने सामने आने की। तो दोनों भी टीम्स यहाँ पर रेडी है, मेरे इस ओर है टीम आमने और उस ओर है टीम सामने, जो कि आज डिबेट करने वाली है इस टॉपिक को लेके। जैसे हम सभी जानते हैं कॉलेजेस में काफ़ी सारी बुक्स होती है, लाइब्रेरीज होती है, जो बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं, पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सीरियसली बुक्स के थ्रू जाते हैं कि किस पेज पे क्या लिखा है, ये भी उनको पता होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है बुक्स, ये तो बात कोई डिनाई ही नहीं कर सकता। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे दिग्गज स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के वक्त उतना ही पोर्शन जितना सिलेबस है उतना जेरोक्स कर लेते हैं, उतना ही पोर्शन रेफ़र करते हैं, पर पास तो वो भी अच्छे मार्क्स से होते हैं। सो दिस इज़ द कॉम्पिटिशन टुडे, कि हमारे लिए बुक्स रेफर करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या फिर नोट्स या फिर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स जो होते हैं जेरोक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ज़्यादा बेटर। तो इसी को लेकर आज यहाँ पे दोनों टीम्स डिबेट करने वाली है। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी टीम आमने से। मायसेल्फ मधुसूदन कल्याणकर एंड माय टीम में गजानन, फरहीन, तृप्ति एंड भरत।
बुक्स इज अ मोर बेटर देन नोट्स, बिकॉज बुक्स में जितनी अपने को जानकारी मिलती है उतनी नोट्स में नहीं मिलती है, क्योंकि बुक्स में जितना भी आप पढ़ते तो ये जो बेटर रहता है नोट्स से, क्योंकि नोट्स ये एट द शॉर्ट टर्म रहता है एज अ फ्रेमवर्क में, बट बुक्स में हमें इतनी जानकारी मिलती है कि वो बियॉन्ड फ्रेमवर्क जाकर कुछ एडिशनल भी अपने को लर्न होता है, क्योंकि अगर बाय चांस कुछ भी हो जाए सिलेबस में अगर चेंजेस वगैरह कुछ होते तो अपने को बुक्स इज अ बेटर देन नोट्स। थैंक यू। मेरा नाम सिद्धार्थ है और ये मेरा फ्रेंड जय, पुरुषोत्तम, शिवाजी एंड कपिल। जो गाइड्स होते हैं, गाइड से जो इम्पोर्टेंट होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो नोट्स में झलास करके आप पढ़ सकते हैं, जो एग्ज़ाम में जो जो भी होता है वो आप डायरेक्टली उसे पॉइंट पॉइंट निकाल के आप बहुत सारे बुक से नोट्स निकाल के पढ़ सकते हैं, ताकि आपका जो मेन जो तुम्हारा गोल होता है वो तुम्हारे एग्ज़ाम में। हम जो नोट्स निकालते हैं तो नोट्स जो रहते हैं वो बुक पे ही रहते हैं, अगर हम बुक्स ही नहीं रहेंगे तो नोट्स कहाँ से निकालेंगे, और बुक्स में जो है डिटेल दिया हुआ रहता है, इस कारण हम किसी भी तरह से नोट्स निकाल सकते हैं। मैडम ने बताया अभी कि बुक में से निकालते हैं, लेकिन हमको जब पेपर की तरफ जब बढ़ना पड़ता है तब हमको नेट से यानी कि गूगल से कुछ नोट्स अपन डाउनलोड करके ले सकते हैं, और वो उसकी झरोक्स मार के अपन उसका स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि हम नेट पे से भी नोट्स निकाल सकते, पर उस पर भी तो बुक ही होती है ना, तो बुक पे से ही हम रेफर करते हैं, और जो बुक हम जो बुक पढ़ते हैं और एग्जाम में जो सवाल आते हैं तो वो सवाल हम एक शब्द पकड़ के उसका एक पैरा भी बना सकते हैं, और अगर नोट्स रेफर करने लगे तो हम बस लिमिटेड ही लिख पाते, एक पैरा नहीं लिख पाते। कोई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनको क्लास वो बराबर से अटेंड नहीं कर सकते, तो उनको बुक रेफर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो उनके लिए उनको नोट्स सही लगती है, जैसे नोट्स सही क्योंकि वो कम टाइम में पॉइंट निकाल सकते हैं और एग्जाम के दिन में उनको काम आ सकता है। बुक में जो पॉइंट रहते हैं वो पॉइंट अपने को सर्च करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो जो नोट्स है ना वो नोट्स में आप जल्दी मिलते हैं पॉइंट्स। बुक्स में अच्छा रहता है, बुक्स पढ़ने के बाद स्पर्धा परीक्षा MPSC UPSC वो सिलेबस भी कवर हो जाता है बुक्स में, नोट्स में ऐसा सिलेबस कवर नहीं हो सकता है। अपने हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, क्योंकि किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए जिसके पास पैसे होते हैं वो बुक्स खरीदते हैं, जिसके पास नहीं होते वो नोट्स निकालते हैं। जो बुक लिखते हैं वो लेखक होते हैं, और स्टूडेंट लेखक नहीं हो सकते, क्योंकि लेखक जो दिमाग से लिखते हैं। और आप बोले कि पैसों का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी किस लिए है भैया? बट लाइब्रेरियन कैसा है पता है क्या, वैलिड रहती है, जब आप किताब निकालते तो उसकी वैलिड रहती है, बट आप यदि नोट्स निकालते हो तो एट अ टाइम अपने पास रख सकते हो। मानो कि आपको ट्रैवल करना है, देन आफ्टर दैट आपको स्टडी करना है, तो सो मानो आप लाइब्रेरी से बुक निकाल के तो नहीं लेके जाते ना, तो नोट्स निकालने के बाद में जो है ना, यदि आप चाहे तो कहीं भी पे बैठ के स्टडी कर सकते हो। अगर किसी का बर्थडे हो तो अगर उसको उससे जो अच्छा लगता है वो बुक्स अगर हम देते हैं, उसका जो आनंद रहता है वो द्विगुणित हो जाता है, उसके बर्थडे के अगेंस्ट में उसको ये बुक्स मिला, क्योंकि उसको उससे कुछ अच्छा नॉलेज मिलने वाला है इसके वजह से। और जैसे जो ये नोट्स रहते हैं वो सिर्फ लिमिटेड शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, और बुक्स जो रहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो बुक्स रहते हैं, ये बुक्स अभी जो नया सिलेबस आता है वो सिलेबस सभी बुक्स में अवेलेबल किधर भी नहीं मिलता, लाइब्रेरी में भी जाओ तो भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं रहता, तो वो नोट्स ही निकाले। कभी कभी हमको टीचर भी नोट्स देते हैं, और ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, नोट्स निकाले तो इनसे वो चीटिंग करेंगे, लेकिन नोट्स चीटिंग के लिए ही नहीं होते, नोट्स आप छोटे 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 पॉइंट में नोट्स होते हैं, और हमको जल्दी से वो समझ में आता है, इसलिए हम नोट्स यूज करते हैं। नोट्स जो है वो हमें सिर्फ एजुकेशनल लाइफ के लिए यूज होता है, बट अगर हम देखेंगे तो बुक्स में अगर जो हम पढ़ेंगे वो नॉलेज हमें लाइफ लॉन्ग तक याद रहता है। बहुत सारे बुक्स ऐसे होते हैं कि जो आउटडेटेड होते हैं, जिनमें ऐसा सिलेबस होता है जो एग्जाम से कोई कंसर्न नहीं रखता है, तो जो नोट्स होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, आप उसे एग्जाम में यूज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और अच्छे मार्क्स लेके एग्जाम पास कर सकते हैं, क्योंकि नोट से आप बहुत ही कम समय में पढ़ के अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अच्छे मार्क्स लेना ही जरूरी नहीं, वो पढ़ना भी जरूरी है, तो पढ़ के वो अच्छे मार्क्स लेते हैं और वो लाइफ टाइम के लिए काम आता है। बुक्स में जो नॉलेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एग्जाम के अलावा भी बहुत ज्यादा होता है, वो जो नॉलेज है वो हमें जिंदगी भर काम आता है। जब हम कहीं जॉब करते हैं तब वो हमें हमें हमारे सामने आता है, जब वो हमें प्रैक्टिकली करना होता है जो हमने बुक्स में पढ़ा होता है, तो इसलिए
तब हमें ध्यान आता है कि हाँ हमने ये बुक्स में पढ़ा था और अभी हम ये कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता है। मेरा ये मानना है कि नोट्स बेहतर है, बुक्स से बेहतर है, क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो हम नोट्स निकालते हैं वो नोट्स जब एग्जाम होने के बाद हम हमारे पास रख सकते हैं नोट्स, और जब भी हमारे दोस्त लोग हमारे अगले ईयर में जो हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे बैच में आते हैं ना, तब वो उनको जरूरत लगती है नोट्स की। तो बुक्स हम जो लाइब्रेरी से निकालते हैं वो तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो लाइब्रेरी को हमको रिटर्न करना होता है। तो वो नोट्स हम उनको दे सकते हैं और वो हमको दुआएं दे के और अच्छे मार्क्स लेके वो एग्जाम में पास हो सकते, इसलिए ये नोट्स बेटर है बुक्स से। काफी अच्छा यहाँ पर डिबेट चला है, बहुत ही सही गए हैं सभी लोग। नोट्स जो भी है, हम फोकस होते हैं, हमारा टाइम बचाते हैं भले ही जो भी है, पर बुक्स में से जो भी हम पढ़ते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। हालांकि मैंने भी इतना पढ़ाई नहीं किया पर बोल तो सकती हूँ। चलिए आइए जानते हैं कंक्लूजन के तौर पर यहाँ के प्रिंसिपल से और स्टाफ से। मैं प्रिंसिपल डॉक्टर आई डी नाथ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की तरफ से बात कर रही हूँ। आप सबको मेरा जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने इसको सबसे पहले बनाया है। सबसे पहले हमारे कॉलेज में कॉमर्स की ब्रांच थी, अभी उसके साथ आर्ट्स और बाकी भी पीजी के सब क्लासेस एमकॉम ये शुरू हो गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई जो गरीब है, दलित है और अन्य पिछड़े वर्गों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास करके ये कॉलेज बनवाया गया है, और उस हिसाब से हमारे पास 90% बच्चे स्कॉलरशिप में ही जो आते हैं, पढ़ते हैं, वही आते हैं। आज का जो अपना विषय सब्जेक्ट है, बच्चों को नोट्स देना चाहिए या उन्होंने बुक्स रेफर करना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगी कि नोट्स तो सिर्फ एक अपने इंट्रोडक्शन के इस पे रहेगा, बाकी जो बुक्स है वही उन्होंने रेफर करना चाहिए, क्योंकि बुक से उनको पूरा नॉलेज आ जाता है और उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं प्रकाश सिरसाट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय में अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, और जो आज का विषय है कि क्या किताब पढ़नी चाहिए या नोट्स पढ़नी चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि आप नोट्स लाएंगे कहाँ से अगर आप किताब पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि किताब के बाहर से तो नोट आती नहीं है। तो किताब पढ़ना ये तो ज़रूरी बन गया नोट्स बनाने के लिए भी, तभी आप नोट्स बना पाएंगे। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ज़िंदगी भर पढ़ते रहे, किताबों से बात करते रहे। जो उन्होंने कहा था कि बुक्स आर द पीपल विथ हुम आई कन्वर्स फॉर डेज इन एंड डे आउट, किताबों के साथ मैं दिन रात बातें करता हूँ, ये उन्होंने कहा था। तो किताब तो पढ़नी चाहिए और किताब ही पढ़नी चाहिए। मैं उप प्राचार्य प्रोफेसर एन एम करड़े बात कर रहा हूँ। आवाज़ इंडिया टीवी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने हमारे कॉलेज में आकर हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए। उनमें से जो एक अच्छा कार्यक्रम था वो बोले तो आज के ज़माने में बच्चों के लिए किताब बेहतर है या नोट्स बेहतर है। तो मेरे ख्याल से किताबें ज़िंदगी को बहुत आगे लेके जाती हैं। किताब पढ़ने से बच्चों में सोच आती है, ज़िंदगी में आगे जाने की समझ आती है। इसलिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में किताब को सबसे ज़्यादा महत्व दिए थे। लेकिन ये बात कहते समय मुझे थोड़ी सी मैं थोड़ा सा खेद महसूस करता हूँ। आजकल के ज़माने में बच्चों ने किताबें पढ़ने के बजाय नोट्स पढ़कर इम्तिहान देने की जो मन में ठान ली है उससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि नोट्स पढ़ने से ज़िंदगी संवार नहीं सकती। आपको अगर बहुत आगे जाना है, आपकी सोच बदलनी है, आपको कुछ जीवन में कुछ नया करके दिखाना है, तो किताब के बगैर दूसरा कोई अच्छा पर्याय नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सो आज यूथ कॉर्नर में हमने काफी सारा ढेर सारी मस्ती मजा धतिंग नाच कर लिया। अमृता ने लटके झटके ठुमके क्या माशाल्लाह बहुत ही कमाल के लगाए हैं, और बहुत ही अच्छी जंग भी छिड़ी थी आज बुक्स वर्सेस नोट्स की, आपने तो देख ही लिया। बट बहुत ही अच्छा एक
परफेक्ट उस पर कंक्लूजन हमें मिला है यहाँ के स्टाफ से। अभी फिलहाल वक्त होता है यूथ कॉर्नर में टाटा बाय बाय सी यू कहने का, क्योंकि जरूर वापस मिलेंगे यूथ कॉर्नर के अगले एपिसोड में, जहाँ पे और ज्यादा मस्ती, और ज्यादा मजा, और ज्यादा धमाल होगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।